Hey everyone, today I'm going to discuss how to learn AWS proper way. बहुत important topic है AWS को कैसे learn करें proper way पे. और ये topic सिर्फ उनके लिए नहीं है जो लोग AWS को अभी अभी start कर रहे हैं लर्निंग के लिए. ये topic उनके लिए भी important है जो already industry में working में है. आप देखो क्या होता है कि जिन्होंने कभी AWS नहीं सीखा उनके लिए तो चलो ठीक है, स्टार्टअप है, उनके लिए टॉपिक समझ में आता है कि हाउ टू लर्न, आपको पता होना चाहिए कि AWS कैसे लर्न करना. बट जो AWS में काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उनके लिए टॉपिक कैसे मैच करेगा उनके प्रोफाइल के साथ, तो मैं आप लोगों को बता दूं, AWS अपनी सर्विसेज को अपग्रेड करता है, नए नए सर्विसेज और लेके आता है, एग्जिस्टिंग सर्विसेज में नए नए फीचर्स ऐड करता है. तो जो लोग वर्किंग में है उन्हें तो इसका नॉलेज चाहिए ना कि भाई कौन सी सर्विस आज आई है, कौन सी सर्विस 2023 में आई है, कौन सी सर्विस 2024 में आएगी, उसके क्या फीचर्स है, वो तो उन्हें भी लर्न करना पड़ेगा. तो ये टॉपिक सबके लिए है, जो वर्किंग में है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू लर्न AWS प्रॉपर वे, और जो अभी आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे AWS के प्लेटफॉर्म पे, जो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी है. तो इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि कभी भी अगर आपको AWS में अपडेट चीजें लर्न करनी है तो आप कहां से करोगे. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप AWS आपको कहता है कि आप सिर्फ AWS में जाके अकाउंट बनाएं, अकाउंट बनाने के बाद हर एक चीज मैं सिखाता हूं, आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, किसी वीडियोस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वीडियोस देता हूं. AWS कहता है, AWS कहता है कि मैं आपको डॉक्यूमेंट्स देता हूं हर एक चीज की, बट लोगों को पता नहीं होता कि वो डॉक्यूमेंट्स मिलेगा कहां से, लोगों को पता नहीं होता कि AWS जो वीडियोस देता है आपको कहां से मिलेगा, इसीलिए लोग परेशान रहते हैं. और ये जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, ये सच, ये फैक्ट आपको कोई नहीं बताता, कोई ट्रेनिंग इंडस्ट्री वाला आपको ये फैक्ट नहीं बताएगा, कोई वीडियो प्रोवाइडर आपको ये फैक्ट नहीं बताएगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर ट्रेनिंग वाला ये फैक्ट बता दे तो आप उसे ट्रेनिंग नहीं करोगे, कोई वीडियोस प्रोवाइडर अगर आपको ये फैक्ट बता दे तो आप उसके वीडियोस बाय नहीं करोगे. बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को जो आज शेयर करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्यों क्यों इंपॉर्टेंट, इसीलिए है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने आज मेरे से कोई भी AWS की ट्रेनिंग ली, लाइक AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट की ली या प्रोफेशनल की ट्रेनिंग ली, मैंने आपको ट्रेनिंग दे दी, आपको क्या लगता है जो सर्विसेज मैंने आपको सिखाया है कल क्या उस सर्विसेज वैसे ही रहेंगी, क्या उन सर्विसेज में चेंजेस नहीं होगा, राइट? उन सर्विसेज में क्या होगा, सॉरी, उन सर्विसेज में चेंजेस भी होगा, नए फीचर्स भी ऐड होंगे, सब कुछ होगा ना. अब वो चीज आपको कहां से पता लगेगी, आप उसके लिए यहां हुआ परेशान होते हो, यूट्यूब में फाइंड आउट करते हो, यूडमी के साइट फाइंड आउट करते हो, कहीं मिला कहीं नहीं मिला, प्रॉपर अपडेट चीजें कहां मिलेंगी. तो AWS बोलता है कि आपको अगर कोई भी नए फीचर्स का अपडेट चाहिए, कोई भी सर्विसेज में अगर मैं अपडेट करता हूं तो मैं उसकी वीडियोस अपलोड करता हूं, आप वहां पे जाओ, वहां से आप अपडेट ले लो. तो जो लोग वर्किंग में है, जो लोग वर्किंग में है पर्टिकुलर सर्विस पे काम कर रहे हैं, अब वो सर्विसेज में कुछ भी चेंजेस होता है, लाइक नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर, आपको अगर उस अपडेट के बारे में जानना है, अपनी नॉलेज को इनहांस करना है, AWS कहता आप मेरे पोर्टल पे आओ, वहां से आप पढ़ लो, आपको यहाँ वहां भटकने की जरूरत है. तो कहा जाता है कि जिन्हें जो AWS पे काम करे उन्हें फंडामेंटल तो क्लियर ही है, बस नई चीजों को जानना है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, AWS के पोर्टल में ही पढ़ा हुआ है. तो मैं आपको वही आज बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप उसको पढ़ोगे, किस तरीके से उसे फाइंड आउट करोगे, किस तरीके से उनके वीडियोज तक पहुंचोगे. और ऐसे ही AWS कहता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स भी हैं. अब कई बार बंदे मेरे को मैसेज करते हैं कि सर आप आपसे हमने AWS की वीडियोस खरीदी है, क्या उसके कोई डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, सर आपसे हम AWS की ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या उसकी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे. तो मैं आपको बताऊं, मैं तो चलो आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा, मैंने फाइंड आउट करके PDF में बना के आपको दे दिया, आपको क्या लगता है कि वो फिक्स है, कल वो अपडेट हो गया तो आप तो उसी डॉक्यूमेंट को पकड़ के बैठे रहोगे, सर ने जो दिया परफेक्ट है, नहीं, अपडेट हो रहा है ना, हर 3 महीने में नई चीज अपडेट हो रही है. तो मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा, मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स नहीं देना सिखाऊंगा, मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि नए अपडेट डॉक्यूमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. आपको कभी इंडस्ट्री में अगर कोई पर्टिकुलर सर्विस के बारे में अपडेट जानना है, उसके डॉक्यूमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये 2 चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, हाउ टू लर्न AWS प्रॉपर वे. अब देखो मेरे से पढ़ने का मतलब क्या है,
मेरे से आप तभी पढ़िए जब आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है। अगर आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो आप मेरे से सीखिए, मैं आपको फंडामेंटल समझा दूंगा। फंडामेंटल क्लियर होने के बाद आप अपने करियर को आगे लेके जाना चाहते हैं, आप अपने करियर को अपडेट करना चाहते हैं, तो अपडेट करने के लिए आप मेरे से मत पढ़िए, आप AWS के डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करें। तो मैं वही आपको दिखा रहा हूं, आप यहाँ पे देखो लॉग इन करो, क्वेश्चन मार्क में आओ, यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्स, हर एक चीज के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मिले, हर एक सर्विस के डॉक्यूमेंट्स। कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, लाइक EC2 बनाने का, यहाँ पे क्लिक करें, ये देखो EC2 बनाना चाहते हो आप, ये लोग क्लिक करो, आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। ये देखो कैसे बनाते हैं EC2, A2 जेड। क्यों परेशान होते हो डॉक्यूमेंट्स के पीछे? नहीं परेशान हो दोस्तों, नहीं हो, यही है प्रॉपर अपडेट। मैं आपको प्रॉपर अपडेट डॉक्यूमेंट नहीं दे सकता, मैं क्या पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं दे सकता, सिर्फ AWS को छोड़ के, क्योंकि आप किसी से भी डॉक्यूमेंट्स लोगे, उसने PDF बनाया आपको पेश करके दे दिया, आपको क्या लगता है कि हर महीने अपडेट करके आपको देगा? नहीं, अपडेट कहाँ हो रहा है, AWS अपडेट कर रहा है ना, प्रोडक्ट किसका, AWS का ना, तो प्रॉपर AWS के गाइडलाइंस को फॉलो करो, इधर उधर क्यों जा रहे हो, मत जाओ, राइट? तो यहाँ से हर एक चीज के डॉक्यूमेंट्स आप फाइंड आउट कर सकते हो, और आप इतने स्मार्ट हो कि मैंने अगर आपको रास्ता दिखा दिया तो अब आप बैठ के सब कुछ फाइंड आउट कर लोगे। ऐसे आपको ट्रेनिंग्स करनी है, ट्रेनिंग्स में आओ, AWS आपके आपको ट्रेनिंग्स की वीडियोस देता है, आपको क्लासरूम ट्रेनिंग चाहिए या डिजिटल ट्रेनिंग चाहिए, आपका ट्रेनिंग भी क्लासरूम अटेंड करा देगा, इनके पार्टनर्स होते हैं उनके थ्रू। मान लो मुझे डिजिटल ट्रेनिंग चाहिए, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे इनकी वीडियोस पड़ी हुई है, देखो ट्रेनिंग्स की, आपको फ्री लर्निंग कंटेंट मिल जाएंगे, कुछ पेड भी आपको मिल जाएंगे, राइट? देखो फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है, लाइक मुझे क्लाउड प्रैक्टिशनर के बारे में जानना है, ठीक है, क्लाउड प्रैक्टिशनर पढ़ना है, तो यहाँ से आप इनरोल कर सकते हो। ऐसे ट्रेनिंग में जाओ तो बहुत सारे व्यू कोर्सेस, कुछ आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, जैसे अकाउंट बनाते हो ऐसे डालो, आप देखो सारे कोर्सेस पड़े हुए हैं, लाइक जैसे कि कुछ पेड भी मिलेंगी, कुछ फ्री भी मिलेंगी, बट सारे अपडेटेड रहेंगे। अब जैसे मुझे एडवांस नेटवर्किंग पढ़ना है, तो यहाँ से मैंने क्लिक किया, देखो एडवांस नेटवर्किंग की वीडियोस, देखो यहाँ पे हर एक वीडियो स्टार्ट लर्निंग नाउ, देख रहे हो दोस्तों, ये कोई नहीं बताता आपको। तो मान लो मैं AWS नेटवर्किंग में काम कर रहा हूं और मुझे कुछ अपडेट चीजें जाननी है, तो मैं क्यों यहां वहां भागू, क्यों मैं यहां वहां फाइंड आउट करूं, क्यों ट्रेनिंग फाइंड, मुझे कुछ ही अपडेट करना, 2-3% यहां से अपडेट कर लूंगा, यहां से पर्टिकुलर टॉपिक, समझ आ रही है? यहां से आपको एग्जाम प्रैक्टिस पेपर भी मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और ये वीडियो में आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, मैं किसी वीडियो में आज तक आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं किया, बट इस वीडियो में मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये वीडियो सबको फॉरवर्ड करो, हर एक वो बंदे को फॉरवर्ड करो जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, क्योंकि बहुत बार लोग काम कर रहे होते बट पता नहीं होता। सब कुछ AWS प्रोवाइड करता है, कहता है डॉक्यूमेंट्स भी है, वीडियोस भी है, सब है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, फंडामेंटल क्लियर नहीं, तो फंडामेंटल के आप मेरे से सपोर्ट ले लो, मैं फंडामेंटल क्लियर कर दिया, मैंने आपको ऊपर पहुंचा दिया, आगे आपको दौड़ना है, कहां से दौड़ना है आपको पता चल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी दोस्तों, तब तक के लिए बाय।